अब मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनते चले जाना, क्योंकि मैं इतना श्योर हूँ कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से किसी तरह से इम्पैक्ट करेगी। ये कोई ऑर्डिनरी कहानी नहीं है। इस कहानी के एंड में जो आपका फील होगा, इसका जो मैसेज है, वो आपको जब फील होगा तब आपकी समझ का लेवल बढ़ जाएगा। आपकी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स है, जो अभी तो आपको प्रॉब्लम्स लग रही है या कुछ ऐसा कि ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है वगैरह, ये सब आपको नहीं लगेगा। ये स्टोरी है भगवान बुद्ध और एक बहुत ही गरीब लड़के की। जो लड़का इतना गरीब था कि वो हर रोज कहीं ना कहीं से खाने के लिए कुछ इकट्ठा करता था, बट हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है कि इतना गरीब हूँ फिर भी तू मेरा खाना चुराता है, अगर तुझे चुराना ही है तो किसी अमीर आदमी का चुरा, क्योंकि उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो चूहा बोला कि तेरी किस्मत में सिर्फ कुछ ही चीज़ें लिखी है और तुझे वही मिलेगा, भले तू कितनी ही कोशिश कर ले, भले तू कितना ही इकट्ठा कर ले, तो उन्हें अपने पास नहीं रख पाएगा। ये जानकर वो लड़का बहुत शौक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है, तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वही तुम्हें बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में क्या है। इसलिए वो लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जर्नी पर निकल पड़ा। बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उसने घर वाले से एक रात स्टे करने के लिए इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल भी गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा ये सवाल भी पूछोगे, हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो क्या करे जिससे इसकी आवाज़ लौट आए। उस लड़के ने कहा कि मैं ज़रूर पूछूंगा आपका सवाल, और उसने उनको थैंक्स कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे। वो बड़ी मुश्किल से एक पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने लड़के से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा ये सवाल पूछोगे, मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे नॉलेज के हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए ऐसा क्या करूँ। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से जरूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी जिसकी हेल्प से उसने उस लड़के को बर्फ के पहाड़ों से उस पार पहुंचा दिया। जब वो आगे बढ़ा तो अब उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ी नदी थी जो वो खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई और कछुआ उसे नदी पार करवाने के लिए रेडी हो गया। फिर कछुए ने भी उससे पूछा वही सवाल कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए। तो कछुए ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा सवाल भी पूछोगे, मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की ट्राई कर रहा हूँ बट अभी तक बन नहीं पाया, तो मैं क्या करूँ जिससे ड्रैगन बन जाऊँ। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल भी जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के उस पार छोड़ दिया। फाइनली लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँच गया। वहाँ और बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा कि एक पर्सन के सिर्फ 3 सवालों के ही जवाब दूंगा। लड़का एकदम शॉक हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वो सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की ट्राई कर रहा है और जादूगर तो 1000 साल से स्वर्ग में जाने की तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बोले पूरी लाइफ कैसे गुजार सकती है। फिर उसने खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ एक गरीब भिखारी हूँ, मैं तो भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुए जादूगर और लड़की की प्रॉब्लम तो मेरे प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसलिए उसने उनके 3 सवाल बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की ट्राई कर रहा है पर वो अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो अपने कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वो ड्रैगन नहीं बन सकता, और वह जादूगर 1000 साल से उस छड़ी को अपने पास रखे हुए है, वो छड़ी उसे स्वर्ग में जाने से रोक रही है। अगर उसे स्वर्ग में जाना है तो उस छड़ी को छोड़ना होगा, और जब उस लड़की को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तो वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। उस लड़के ने भगवान बुद्ध को थैंक्स बोला और वहां से रवाना हो गया।
वह दोबारा कछुए के पास गया और बोला कि बुद्ध ने कहा है कि तुम ड्रैगन बनना चाहते हो तो तुम्हें कवच को छोड़ना होगा। जैसे ही कछुए ने कवच उतारा तो उसके अंदर कीमती मोती थे। कछुए ने वो मोती उस लड़की को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। उसके बाद लड़का उस जादूगर के पास गया और उसे कहा कि अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो तुम्हें छड़ी को छोड़ना होगा। उसने छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद वो उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात स्टे की थी। जब वो वहाँ गया तो वो लड़की सामने आई और वह बोली, उस रात को हमारी हवेली में तुम ही आए थे ना, सो इस तरह उस लड़के को वेल्थ, पावर और एक ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर भी मिल गया। लाइफ में कुछ पाने के लिए हमें कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने अपनी छड़ी लड़के को दे दी तब वह स्वर्ग में जा पाया। वैसे ही लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे ज़्यादा सेफ किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है, वो बीच समंदर में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना हो तो आपको रिस्क लेनी ही पड़ेगी। जैसे कछुए को ड्रैगन बनने के लिए अपने सुरक्षा कवच को छोड़ना पड़ा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ज़रा एक नज़र डालिए उन लोगों पर जिनके पास रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम से बड़ी है? क्या आप जानते हैं कि हम खुद प्रॉब्लम में होते हुए भी दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं? तो इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। तो कुल मित्र पर 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद मैं YouTube की तरफ से सिल्वर प्ले बटन अवार्ड मिला है, जो कि आने में उसको बहुत टाइम लग गया। तो उसकी इमेज मैंने Facebook और Instagram पर डाल दी थी उसी टाइम जब वो आया था। तो वो इमेज अगर आपने नहीं देखी तो ये रही आपके सामने। वैसे ये इमेज मैंने उसी वक्त डाल दी थी। तो अगर आपने मुझे Facebook और Instagram पर फॉलो नहीं किया तो कर दीजिए। और थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी ने मिलकर जिस तरह से इतनी वीडियोज़ आगे से आगे फैलाई है, उसी की ही वजह से कुल मित्र पर अभी 5,00,000 भी सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो उन सब के लिए थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्द आपके सामने फेस लेकर आऊँ और सेमिनार करूँ ताकि आप मुझे देख सको। तो आई होप कि बहुत जल्दी ऐसा हो कि मैं आपके सामने आकर बोलूँ। और थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस तरह की वीडियो आपके लिए और बनानी चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, कोई वीडियो आपसे छूटे ना। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।